नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बैंक रिटायरीज की ग्रीवांसेस के बारे में। पिछले दिनों काफी दिन से बैंकों बैंक पेंशनर द्वारा धरना प्रदर्शन विभिन्न जिलों में, विभिन्न शहरों में, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु, अल्टीमेटली एंड दिल्ली जंतर मंतर पे, और अभी जो 23 तारीख को CBPRO के सौजन्य से हमारे रिटायरी साथी, बैंक पेंशनर साथी अच्छे तादाद में लगभग 1000 लोग बता रहे हैं। और उसके बाद हमारे पेंशन एक्टिविस्ट लोगों का लेटर, फोटो, वीडियो आ रहे हैं मार्केट में। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे साथियों ने भी रिपोर्ट किया कि बहुत से नेता, गिरीश चंद्र आर्य BMS के, रूपम राय IBOC के आए और सब कुछ बोला। और हम ये भी दावा करते हैं कि हम अपनी बैंकों की रिटायरीज की मांगों को पूरी कर देंगे। एक बात नहीं समझ में आता कि हम पिछले कई साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेज प्रोग्राम कर रहे हैं, लेटर्स लिख रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, साइड बाय साइड हमारे यूनियंस की, गवर्नमेंट जो गवर्निंग काउंसिल है उसकी भी मीटिंग होती है, ट्रायनियल कॉन्फ्रेंस होते हैं। लेकिन सन 1995 के बाद से फिर भी पेंशन रिवीजन नहीं हुआ। बात करते हैं कि 2012 से मेडिकल, फ्री मेडिकल यानी बैंकर्स द्वारा बियर करने वाला जो प्रक्रिया नहीं हुआ, स्पेशल अलाउंस 10th बाइपार्टाइट से लागू हुआ लेकिन सुपरनेशन बेनिफिट के लिए नहीं माना गया। रिकवरी ऑफ कम्यूटेशन की बात करें तो कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन के बारे में जो हम 10 साल 8 महीना या 12 साल 11 साल जो भी मांग रहे डिमांड, उसके बारे में केवल लोग, हमारे रिटायरी साथी हाई कोर्ट से स्टे ला रहे हैं, बैंक मान नहीं रही है, कोई बैंक मानने के लिए हम कंटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब ये प्रक्रिया चल रही है बैंकर्स के ग्रीवांसेस का। और जब भी धरना प्रदर्शन होता है तो हमारे बड़े बड़े नेता, छोड़ दीजिए EOBU के बारे में, EOBU को कोई लेना देना नहीं, EOBU को रिटायरी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी हमारे नेता हैं, आश्वासन हर तरफ से होता है, मेमोरेंडम भी दिया जा रहा है, सुना है IBA को, वित्त मंत्री को, फिर हम टाइम लेके वित्त मंत्री से मिलेंगे। बट हमें अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है? इतना प्रयास, इतना संघर्ष करने के बाद भी विफलता क्यों? पेंशन अपडेशन जो हमारा 95 से कभी रिवाइज नहीं हुआ, 95 का हमारा डिमांड चल रहा है, उन सब बारे में आप बात करें तो दो ही तीन मुद्दे ऐसे आते हैं। एक ये कि पेंशन का रिवीजन का क्लॉज नहीं है, फिर दूसरी बात आती है पेंशन फंड नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि EOBU के पास बिल पावर नहीं है, EOBU द्वारा कोई डिमांड नहीं है। IBA एक ऐसी संस्था है जिससे आप कटघरे में खड़ा ही नहीं कर सकते, एक ऐसी संस्था जो आपके लिए बात तो करती है, आपके लिए काम तो करती है, लेकिन जवाबदेह नहीं है। हमारे नेशनलाइज बैंक के द्वारा उसे क्या कहते हैं, कंसेंट दिया जाता है, लेकिन वो हमारे प्रति जवाबदेह नहीं है। वो मेरा सर काट दे लेकिन जवाब नहीं देना है, हम पूछ भी नहीं सकते। ऐसे में बैंक पेंशनर्स के पास ऑप्शन क्या है? पेंशन फंड है, हम देंगे नहीं। खंडेलवाल समिति की तरफ से यह है कि बैंक रिटायरीज को भी मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, हम देंगे नहीं। स्पेशल अलाउंस के बारे में हम ही ने एग्रीमेंट किया और अब हम कहते हैं सब जुडिस है, हम देंगे नहीं।
अगर सेक्शन 35 रेगुलेशन 35(1) में पेंशन रिवीजन की बात, पेंशन अपडेशन की बात, अगर एक बंदा कहता है कि इसमें है, एक कहता है नहीं है, ये हमारे इंटरप्रिटेशन की बात जो भी हम कह सकते हैं। चलिए नहीं है तो अमेंड नहीं कर सकते। पेंशन अपडेशन की डिमांड अगर जेन्युइन नहीं है, रीजनेबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो चलिए आप मत मानिए। लेकिन अगर जरा सा भी इसमें ये जेन्युइन है, ये रीजनेबल है, ये लॉजिकल है, तो अमेंड नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, हम लकीर के फकीर हैं। और अगर पेंशन रेगुलेशंस में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है तो आरबीआई को आपने कैसे दिया? और अभी जब सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाई तो ग्रामीण बैंक को आप सब कुछ देने को तैयार हो गए, और आप सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं डीएफएस के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग, कि हमें मार्च 25 तक का समय दे दिया जाए, हम 20% पेमेंट कर रहे हैं, हम 40% पेमेंट कर रहे हैं, हम सब पेमेंट कर देंगे, माई बाप मुझे माफ कर दीजिए। तो क्या जब तक आपके ऊपर चाबुक या हंटर नहीं चलेगा तब तक आप ऐट के रहेंगे? ये सेम प्रक्रिया पब्लिक सेक्टर बैंक के रिटायरीज के, पेंशनर के साथ हो रही है। एक एमसी सिंगला का केस, डेट ही नहीं पड़ रही है, डेट अर्ली करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। ऑर्डर निसी के बारे में बड़ी बड़ी चर्चाएं थे, हमारे एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट बड़ी बड़ी लंबी बात कर, सुप्रीम कोर्ट में वो भी धराशायी हो गया, फाइनल हियरिंग, निसी ऑर्डर, निसी क्या क्या, लेकिन कुछ नहीं। तो अगर जब तक हमें हमारी हमको कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है, केवल हमारी न्याय व्यवस्था भी हमें सपोर्ट कर दे जैसा कि ग्रामीण बैंक के केस में हुआ है, तो सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। सेक्शन 35(1) ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, पेंशन फंड भी आ जाएगा और डीएफएस हाथ जोड़ के पैसा भी देगा। लेकिन क्यों, आखिर में हम कहां चूक कर रहे हैं? हमारे लीगल एडवाइजर उतने अच्छे नहीं हैं, फिर हमारे पास क्या फंड की कमी जो लीगल एडवाइजर को हम नहीं दे पा रहे हैं? कारण कुछ भी हो, बस एक ही बात संतोषप्रद है कि हमारे रिटायरी साथी, हमारे पेंशनर प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी माध्यम से हो, देर सही लेकिन इसका प्रतिफल हमें जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। और फिर हम वेट करते हैं 20 नवंबर के एमजी सिंगला के केस में, शायद ग्रामीण बैंक की तरह सुप्रीम कोर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के पेंशनर्स का भी ध्यान दे और उन पे अपनी कृपा बरसाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।